तो सब को मीटर एसयूवी के बाद अभी माइक्रो एसयूवी में भी ट्रेंड बन रहा है, तो आज हम रिव्यू करेंगे ऑल न्यू 2021 माइक्रो एसयूवी टाटा पंच। कंप्लीट रिव्यू करेंगे, इसके सारे फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। वेल, तो सबसे पहले टाटा पंच के एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो फ्रंट प्रोफाइल में यहाँ पे टाटा नेक्सॉन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर ये ग्रिल मिलती है। पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में यहाँ पे क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जो कि एक्चुअली दोनों भी DRLs को कनेक्ट करती है। यहाँ पे ग्रिल पे ट्राई एरो पैटर्न मिलता है, उसी के अंदर जो है यहाँ पे गैप है जहाँ से हॉर्न की प्लेसमेंट दी गई है। फ्रंट बम्पर की अगर बात करते हैं तो बॉडी कलर तो नहीं मिलता, बट इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक बढ़िया मिलती है। और इसमें जो है टाटा पंच में ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी दी गई है। ये फ्रंट व्हील ड्राइव कार है बट इसमें ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ भी मिलती है। वेल, अगर हेडलैम्प्स के सेटअप की बात करते हैं, लाइटिंग सेटअप की, तो स्प्लिट हेडलैम्प्स का सेटअप मिलता है, जो कि सिमिलर टाटा हैरियर में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको DRLs की प्लेसमेंट मिलती है, जो कि LED DRLs है, बट ये जो DRLs है ये बाई फंक्शनल नहीं मिलते। इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे साइड पे मिलेगी, जो कि हैलोजन इंडिकेटर्स हैं। वेल, हेडलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिलती है और साइड में हैलोजन बल्ब भी देखने को मिलता है। और उसी के नीचे जो है फॉग लाइट की भी प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि हैलोजन फॉग लाइट्स हैं। की तरफ आते हैं तो ये एक SUV है, तो ऑफ कोर्स आपको बॉडी क्लैडिंग जो है कार में, ओवरऑल कार में देखने को मिल जाती है। टायर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 16 इंचेस के डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं। प्रॉपर अगर साइज़ की बात करते हैं तो 195/60R16 इंचेस के यहाँ पे आपको डायमंड कट एलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिलता है। वेल, ORVMs की अगर बात करते हैं तो ये डुअल टोन कलर में ब्लू और वाइट कलर का आपको रूफ मिलता है, तो ORVMs जो है आपको वाइट कलर में मिलेंगे। और इसी पे इंडिकेटर, LED इंडिकेटर इंटीग्रेटेड मिल जाते हैं। और अगर इसे लॉक या अनलॉक करते हैं तो लॉक करने पे ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल भी है। रूफ़ पे बात करते हैं तो रूफ रेल्स भी इस कार में दी गई है, हालांकि इसमें शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता। डोर हैंडल की तरफ आते हैं तो डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है। कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी इस कार में दिया गया है, जो कि सिर्फ ड्राइवर साइड पे, को ड्राइवर साइड पे ये ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वेल, रियर डोर की बात करते हैं तो रियर डोर का जो हैंडल है उसकी प्लेसमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, तो इसके अंदर अगर बटन को प्रेस करते हैं तो ये डोर ओपन हो जाता है। अभी काफ़ी सारी कार्स में जो है यहाँ पे प्लेसमेंट आपको देखने को मिल जाती है रियर डोर की। रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो टेल लाइट में जो है ट्राई एरो पैटर्न का आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, जो कि LED टेल लाइट्स हैं, बट रिवर्स लाइट और इंडिकेटर जो है वो हैलोजन ही मिलेंगे। और रियर का जो बम्पर भी है वो भी आपको बॉडी कलर नहीं मिलेगा। यहाँ पे हाई माउंट LED स्टॉप लैम्प जो है इंटीग्रेटेड इसमें मिल जाता है। रियर विंडो पे रियर डिफॉगर वाइपर विद वॉशर भी ऑफर किया गया है, और यहाँ पे आपको पंच की बैजिंग मिल जाती है, और उसी के ऊपर टाटा का जो लोगो है उसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट मिलती है, जिसकी क्वालिटी जो है हम इंटीरियर में चल के देखेंगे। और रियर बम्पर पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इस कार में काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर किए जाते हैं, और इसकी प्राइसिंग भी अभी रिलीज़ हो चुकी है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। ये क्रिएटिव वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। वेल, अगर को ड्राइवर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता। इंटीरियर्स की बात करते हैं तो डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन में। को ड्राइवर साइड की अगर डोर पैनल की बात करते हैं तो यहाँ पे पावर विंडो का आपको कंट्रोल मिल जाता है। सिल्वर फिनिशिंग में यहाँ पे डोर हैंडल मिल जाते हैं, और डोर पॉकेट्स में भी डिसेंट सी स्पेस ऑफर की गई है। आप एक या दो बॉटल्स इजीली रख सकते हैं, वहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है। वेल, साइड से अगर देखते हैं तो ये ऑफकोर्स थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है,
अंदर जाके हम स्पेस भी देखेंगे इस कार में कितनी स्पेस ऑफर की जाती है। और टाटा पंच जो है इंडियन मार्केट में महिंद्रा KUV 100 के साथ कम्पीट करती है, और ह्यूंडई की भी AX1 एक माइक्रो SUV जल्द ही इंडिया में रिवील होने वाली है। वेल, ड्राइवर साइड डोर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में इसका इंटीरियर मिलता है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड पावर विंडो जो है वो वन टच अप डाउन मिलेगा। यहाँ पे जॉयस्टिक मिलती है जो कि ORVMs के लिए है। ORVMs इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिलते हैं और साथ ही साथ ऑटो फोल्डेबल भी मिलेंगे। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस सी भी दी गई है, और डोर पॉकेट्स में भी डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है। एक बॉटल और छोटा अम्ब्रेला भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। सीट्स की बात करते हैं तो हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, हालांकि इलेक्ट्रॉनिकली नहीं मिलती, और इस प्राइसिंग पे इस सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स तो नहीं मिलेगी। तो अब इंटीरियर में चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं टाटा पंच के इंटीरियर्स में। तो सबसे पहले स्टेयरिंग की बात करते हैं, तो स्टेयरिंग आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। यहाँ पे मीडिया कंट्रोल्स माउंटेड मिल जाएंगे। सिल्वर फिनिशिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ ये जो स्टेयरिंग व्हील है आपको डी कट फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा। और टाटा पंच SUV में आपको क्रूज कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और क्रूज कंट्रोल जो है मोस्ट प्रोबेबली आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ही मिलेगा। यहाँ पे साइड में हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं, और यहीं पे आपको हेडलाइट लेवलर भी दिया गया है। और लेफ्ट साइड में जो है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स है, यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, यहाँ पे ड्राइव मोड के लिए बटन है, और ये फॉग लाइट के लिए बटन मिलता है। AC वेंट्स के साइड में जो है इस कार का जो एक्सटीरियर कलर है उसका यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है। AC वेंट्स के साइड में डुअल टोन इंटीरियर्स मिलते हैं। तो टाटा पंच में आपको 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि सेम एज टाटा अल्ट्रोज में भी देखने को मिलता है। इसे अगर ऑपरेट करना है तो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से आप ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल इकोनॉमी, पावर, टॉर्क सेटिंग्स, काफी सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। और साइड में आपको स्पीडोमीटर मिलता है जो कि डिजिटल नहीं मिलेगा। अब आते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो इसमें हार्मन का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है। इसमें भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रेडियो, USB, वॉइस कमांड भी दिया गया है। और इसमें और भी फीचर्स हैं, ऑडियो सेटअप, कॉन्टैक्ट्स जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे तब। और इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। तो ऐसी कुछ यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा की क्वालिटी मिलती है जो कि डिसेंट सी है। और ये जो गाइडलाइंस है ये मूविंग गाइडलाइंस है, स्टीयरिंग को मूव करते हैं तो गाइडलाइंस भी मूव होती है। और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम टाटा नेक्सॉन में भी मिलता है, टाटा अल्ट्रोज में भी मिलता है, और इसका टच रिस्पांस भी आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है। वेल, यहाँ पे अगेन AC वेंट्स के साइड में ब्लू कलर की ट्रीटमेंट मिल जाती है, बीच में हजार्ड लाइट का बटन मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स मिल जाती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस कार में दिया गया है। यहाँ पे नीचे की तरफ USB का पोर्ट मिलता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पे भी थोड़ी सी स्पेस आपको मिल जाती है। ये 5-speed का AMT गियरबॉक्स है, 5-speed मैनुअल के साथ भी ये कार अवेलेबल है। IRVM की बात करते हैं तो मैनुअल IRVM है, ऑटो डिमिंग नहीं मिलता। ड्राइवर साइड सनवाइजर की बात करते हैं तो ड्राइवर साइड सनवाइजर पे टिकट होल्डर मिलता है, वैनिटी मिरर नहीं मिलता। बीच में यहाँ पे छोटा सा हेलोजन लाइट मिल जाता है। को पैसेंजर साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे वैनिटी मिरर दिया गया है। वेल, ग्लव बॉक्स की अगर बात करते हैं तो ग्लव बॉक्स भी काफी डीप मिलता है, काफी बढ़िया स्टोरेज इसमें मिल जाती है। और ये ग्लव बॉक्स भी एक कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलेगा, और स्टोरेज भी काफी ज्यादा मिलती है इसमें। वेल, टाटा पंच जो है टाटा अल्ट्रोज के ही आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, तो इस कार में भी आपको 90° डोर ओपनिंग मिलती है। तो अब चलते हैं रियर सीट के कम्फर्ट की तरफ। तो ये सीट जो है कम्प्लीटली पीछे है, तो आपको यहाँ पे इतना लेग रूम मिलता है, नी रूम भी डिसेंट सा आपको यहाँ पे मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी बढ़िया वैसे मिलता है। और ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री में सीट्स हैं, लेदर अपॉल्स्ट्री नहीं मिलती, आप आफ्टर मार्केट भी करा सकते हैं। और सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल है, रिक्लाइन एंगल जो है और थोड़ा बेटर हो सकता था, बट सीट्स काफ़ी कम्फर्टेबल मिलती है। 3-point सीट बेल्ट मिलती हैं जो कि अभी कॉमन स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर है, सारी कार्स में मिलता है। सेंटर में आपको आर्म रेस्ट मिल जाता है जो कि कप होल्डर्स के साथ तो नहीं आता, बट आपको यहाँ पे सेंटर में आर्म रेस्ट दिया गया है। और 2 हेडरेस्ट आपको पीछे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। वेल, रियर सीट तो वैसे काफ़ी कंफर्टेबल है, और यहाँ पे 2 एल्डर इजीली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, बट इतना ही है कि रिक्लाइन एंगल और थोड़ा बेटर हो सकता था। तो ये था मेरा रिव्यू अबाउट ऑल न्यू टाटा पंच माइक्रो SUV। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।